आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम पटना के बीपीएससी कार्यालय के सामने खड़े हैं और देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी जो पास किए हैं इनका ये हुजूम लगा हुआ है यहाँ पे। तमाम मसले हैं, क्या मसला है सर? देखिए सर, म्यूजिक में 2011 के बाद में एसटीईटी का परीक्षा नहीं हुआ था। हम लोग जब यहाँ पे आए तो हाई कोर्ट में केस हुआ था, रघुनंदन ठाकुर के साथ समेत मिलकर 13 लोगों ने किया था। तो हाई कोर्ट का ये आदेश है कि मात्र, ये देखिए सर लिखा हुआ है कि मात्र 13 वो अभ्यर्थी जिन्होंने हाई कोर्ट में जो पेटिशनर है वही फॉर्म भरेंगे, लेकिन 1152 आदमी ने फॉर्म भरा था, 1152 लोगों ने फॉर्म भरा जिसमें 672 आदमी पास हुए, ठीक है, और 672 को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, जबकि यहाँ पे आदेश है कि मात्र 13 जो अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 672 को सर ज्वाइनिंग लेटर दिया कहाँ से? हम लोग यहाँ पे आए मिलने के लिए, कुंदन कुमार एक अधिकारी हैं, तो हम लोग भी बोले कि हम लोग भी सर फॉर्म भरें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 13 के बाद हम 14वें व्यक्ति को मतलब नहीं भरने देंगे फॉर्म। आप लोग पटिशनर बनकर आइए, हम आप लोग को भी बताइए। बोले कि आप लोग पटिशनर बनकर आइए, हम आप लोग को भी फॉर्म ले लेंगे। हम लोग गए केस किए, हम लोग का भी केस का यहाँ नाम है, यहाँ केस का मेंशन है हम लोग का हाई कोर्ट का। तो ये लोग माफ़ी मांगे कि हम लोग, वो बोले कि जो देखिए सर, समस्या यही है कि एक को सर दो दो जगह रिजल्ट दे दी गई है, जो कि सर बहुत ही गंभीर समस्या है। और जहाँ तक नोटिफिकेशन में वर्णित थी कि एक कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सो प्लीज़ आप लोग सरकार से डिमांड कीजिए कौन कैंडिडेट का वन रिजल्ट ही दिया जाए, है ना। एक कैंडिडेट को एक ही जगह रिजल्ट देने की प्रावधान थी जी। धन्यवाद। क्या सर, मेरा समस्या है कि हम 1-5 के कैंडिडेट हैं, 40-42 हज़ार सर पूर्व में जो शिक्षक कार्यरत है, नियोजित शिक्षक, उनको फ्रेशर के जगह पे सेम ग्रेड पे एग्जाम देके और हम लोग के सीट पे उनको बहाल किया जा रहा है सर। तो अगर वो लोग तो ऑलरेडी पहले से जॉब में हैं, हम लोग बेरोजगार हैं सर, जॉब की आवश्यकता हम लोग की ना है सर। हम सर EWS कैटेगोरी से बिलोंग करते हैं, 56 मेरा मार्क्स बन रहा है, फिर भी आज हम ई पटना में रोड सड़क पर बुआ रहे हैं, घूम रहे हैं सर। कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। बिहार सरकार से ये मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है अतुल प्रसाद जी से जो बीपीएससी के चेयरमैन है, कि कृपया हम लोग के बात को सुना जाए। जो शिक्षक सेम ग्रेड पे एग्जाम दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, उनको उसी स्थान पे रखा जाए सर। और डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी फर्जी अभ्यर्थी है उसको निकाल के बाहर फेंका जाए, जो सीटेट डीएड फेल है उसको बाहर किया जाए और हम लोग का उसके जगह नियुक्ति किया जाए। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं और यहाँ पे फर्जी का बहुत सिलेक्शन हुआ है, फर्जी लोगों का सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो सरकार ने तो कहा कि एकदम हम साफ सुथरा लिए, सब कुछ सही, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को फर्जी डेटा मिला है, फर्जी लेटर मिला है, फर्जी डेटा मिला है। अच्छा। फर्जी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बीपीएससी कभी भी कोई भी एग्जाम अच्छे से कंडक्ट क्यों नहीं कर पाता? हम लोगों को तो उम्मीद था कि इस बार अच्छे से सब कुछ होगा, बट अब रिजल्ट में हेराफेरी हुई है, तो अब रिवाइज्ड रिजल्ट चाहिए हम लोगों को बस। और ये देखिए इधर जो है, ये आवाजें जो हैं, ये सर जो है ना, और कंप्यूटर साइंस में घोटाला किया गया, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। आप देखिए कंप्यूटर हाई स्कूल में 9-12 का जो शिक्षक है वो देखिए, ये एसटीटी 2019 का नोटिफिकेशन है, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, जो सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म भर सकते थे, तो बिहार के बाहर के लोग कैसे फॉर्म भरे? कैसे आयोग ने उनका डॉक्यूमेंट? कुछ लोग नियुक्ति पत्र तक लौटाने आए हैं, कुछ सामाजिक विज्ञान का स्टूडेंट, कुछ जो अभ्यर्थी है नियुक्ति पत्र लौटाने आए हैं। और ये दिलीप कुमार से भी हम बात करेंगे। सर मेरा TGT का है, TGT हिंदी है सर। देखिए मेरा 53 नंबर होने के बाद भी सर मुझे शामिल नहीं किया और 39% पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया सर, क्या ये सही है? आप लोग वही बता दीजिए। आपने कहा था कि 32% अगर महिलाएं लाती हैं उनको 32 का क्राइटेरिया दिया गया था, 32 पर अगर आपका हो जाता है तो आपको लिया जाएगा, और मेरा 53 नंबर होने पे भी नहीं लिया जा रहा। मेरा बस यही मांग है कि 1 सीट 1 रिजल्ट दिया जाए, और उस पर से जब तक सर आपकी 100% सीट भरती नहीं तब तक आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए सर, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए सर, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। क्या होगा इस बार? आप होगा महाआंदोलन होगा, ये देखिए महाआंदोलन होगा, महाआंदोलन।